अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान टीम के शादाब खान जो हैं वो अनफिट हो गए और पाकिस्तान के पास दो ऑप्शंस हैं, जफ़र गोहर एंड उस्मान कादिर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ यासिर हमीद और आप देख रहे हैं फ्रंट फुट विद यासिर हमीद और वी आर बैक विद फ्रंट फुट यासिर हमीद। लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कंसिस्टेंटली आपको हमसे हम बात करते रहें, आपको कंटेंट हम प्रोवाइड करते रहें। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है नेशनल स्टेडियम कराची, द हिस्टोरिक क्रिकेट ग्राउंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड ऑफ पाकिस्तान, होम ऑफ क्रिकेट। यही वो ग्राउंड है जिसमें मैंने अपना फर्स्ट क्लास का भी डेब्यू किया और टेस्ट मैच का भी डेब्यू किया। और आपको पता है दोनों में क्या हुआ था। पहला मैच मैं जब खेला 2-0 किए, दूसरा मैच जब खेला और 200 किए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की जो सीरीज़ आ रही है T20, कल से स्टार्ट हो रही है। पाकिस्तान की टीम में 3 चेंजेस हुई हैं, इमामुल हक, आबिद अली एंड हारिस सोहेल। ये 3 जो हैं ये स्क्वाड से रिलीज़ कर दिए गए हैं और शादाब खान अनफिट हैं। अब देखना ये होगा कि नंबर 4 की टीम है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे जो है नंबर 11 की टीम है। ऑल्दो लास्ट मैच जिम्बाब्वे ने विन किया है, ऑब्वियसली वो इस वक्त हाई फील कर रहे होंगे, कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। उनके कैम्प में एक पॉजिटिविटी होगी, एनर्जी होगी, ऑप्टिमिज़म होगा। लेकिन वो पाकिस्तान को किस तरह फेस करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त नंबर 4 पे है स्टैटिस्टिकली, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम नंबर 1 पे है इस वक्त T20 क्रिकेट में। क्योंकि जो फायर वर्क है, ऊपर से जो बैटिंग है, हमारी जो क्लास है बैट्समैन शॉर्टर वर्जन में बहुत अच्छा खेलते हैं हमारे, और डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या जिम्बाब्वे की टीम कल पाकिस्तान को कोई टफ टाइम दे सकती है कि नहीं दे सकती। इस क्वेश्चन को मैं छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन इसका जो है इंशाल्लाह हम इस पर कल बात करेंगे आफ्टर द मैच। क्या हुआ इस मैच में, किसने क्या किया, क्या होना चाहिए था पाकिस्तान की तरफ से, जिम्बाब्वे की तरफ से, और स्पिनर का एक बहुत वाइटल रोल है। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान टीम के शादाब खान जो हैं वो अनफिट हो गए और पाकिस्तान के पास दो ऑप्शंस हैं, जफ़र गोहर एंड उस्मान कादिर। अब देखना है कि क्या जफ़र गोहर एंट्री मारते हैं या उस्मान कादिर को जो दोबारा खिलाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान क्लियरली मिस कर रहा था स्पिनर को वनडेज़ में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह इसका आंसर हम कल देंगे, इस पे हम कल बात करेंगे आफ्टर द परफॉर्मेंसेस कि कैसी परफॉर्मेंसेस हुई हैं। कीप वॉचिंग माई चैनल फ्रंट फुट विद यासिर हमीद, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। इंशाल्लाह हम आपसे अच्छी बात करेंगे क्रिकेट के बारे में, कुछ टेक्निकल कुछ टैक्टिकल। और ये मास्क है, इस मास्क को ज़रूर पहनना है, अभी मैं वीडियो के बाद पहनूंगा। और इसका जो यूज़ है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर आवर सेफ्टी एंड हेल्थ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।